और एक बार फिर वापस चर्चा करते हैं धर्मांतरण कानून को लेकर, जो जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से आपत्ति जताई गई है। कोर्ट में ये मुद्दा उठाया गया है, याचिका लगाई गई है और ये कहा गया है कि ये जो कानून यहां पर बनाए गए हैं ये आपराधिक केस में फंसाने की एक आधार बन चुके हैं, यहां पर लोगों को फंसाया जाता है। इस पर हम बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका तारुफ उनसे करा देते हैं। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता, विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी दीपांकर जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ में अतीक और रहमान साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अतीक और रहमान साहब, 5 राज्यों में जो कानून बनाया गया है, अब इसको लेकर याचिका लगाई गई है, क्या वाकई धर्मांतरण कानून निजता पर आक्रमण है? जमीयत को आखिर इससे दिक्कत क्या है? क्या आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी, लेकिन समझ रहा हूं मैं आपका प्रश्न। जी देखिए, सिर्फ जमीयत को ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट को भी है। 2 दिन पहले जब मध्य प्रदेश की इसी कानून, धर्मांतरण के कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जी, उस वक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने इसके ऊपर स्टे मांगा था कि जो 60 डेज का पीरियड है इसके ऊपर स्टे लगना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। यहां तक के बात आई कि सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया सॉलिसिटर जनरल साहब को कि पहले का जो कानून है 1968 का, उसमें पीनल प्रोविजन नहीं है 60 डे पीरियड के अंदर, यहां पर लेकिन 60 डे पीरियड के साथ। अब ये देखिए, जो 60 डे का पीरियड है इसके अंदर जो गली नुक्कड़ पे खड़े हुए जो हिंदुत्ववादी हैं, ये फैमिलीज को फोर्स करते हैं, युवा और युवतियों को डराते हैं, धमकाते हैं, ये पीरियड जो है 60 डेज का ये प्रॉब्लमेटिक है। इसके अंदर बहुत ज्यादा ज्यादतियां होती है कपल्स के साथ में, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 का भी हवाला दिया कि जब तक के संविधान अधिकार दे रहा है इंडियन सिटीजन को कि वो अपना राइट टू प्रोफेस एंड प्रीच एंड प्रैक्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट टू कन्वर्जन को आप वापस नहीं ले सकते। अगर पार्लियामेंट को, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है ठीक है। अतीक रहमान जी, आपकी बात सुनिए, आप शुरुआती कमेंट सबसे ले लेते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ा नहीं जा सकता। हाँ ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, आपका क्या कहना है? बोल रहे सुप्रीम कोर्ट को भी आपत्ति है, सिर्फ जमीयत को आपत्ति नहीं है? देखो, ऐसा है कि जमीयत नहीं है, सारे के सारे जो धर्मांतरण करने वाले गिरोह है उन सबको ये आपत्ति है। कारण क्या है कि इनको पता है कि कश्मीर और चाहे आपका कैराना, चाहे मेवात, इस प्रकार की देश में अनेकों क्लस्टर बने हुए हैं और ऐसे ही क्लस्टर जगह जगह बनाने की इनकी योजना है, जो सीधे सीधे दिखाई पड़ती है। जबरन धर्मांतरण देश में, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया भी कहता है और मीडिया तो साक्ष्य लेकर के आता है कि कैसे कैसे जबरन धर्मांतरण हो रहा है। आखिर ये संविधान का राज्य है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विश्व हिंदू परिषद क्या एक तो जन जागरण कर रहा है कि भाई किस तरीके से ये जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं, क्या क्या इनके तरीके हैं, क्या क्या ये अख्तियार करते हैं, ये कोई लोकतंत्र में ये करने का अधिकार इनको भी और हमें भी है। लेकिन जबरन धर्मांतरण करके ये सारी की सारी जनसंख्या का संतुलन को असंतुलन कर देना, ये इनका उद्देश्य है। इसके लिए इनको चिंता हो रही है कि अगर ये कड़े कानून आ गए, जो अभी तक नहीं थे, कड़े कानून के शिकंजे में लगातार फंस रहेंगे। आप ये देखिए, लौ जिहाद की घटना है, जब से उत्तर प्रदेश में कानून आया, कानून पहले, इसके पहले तो थानों में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती थी, ये लव जिहाद होता रहता था और थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। आज जाकर के लौ जिहाद पर इस प्रकार के वहां पर केस दर्ज हो रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में 425 ऐसे लौ जिहाद की भर्त्सना करने योग्य जो घटनाएं हैं वो हमने मीडिया को सौंपी थी। ध्यान से और एकाग्रचित होकर देखते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। आप सोचिए कि जातियों में बटा हुआ समाज पहले ही क्या कम था कि उस बटे हुए समाज में से भी अब इस तरीके के कार्य धर्मांतरण के हो रहे हैं, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मेरे ही डिस्ट्रिक्ट आ जाइए, मैं सहारनपुर और देवबंद का हूँ सन्यासी, मैं आपको वहाँ सैकड़ों केसेस आज दिखा सकता हूँ। पूरे गाँव के गाँव बदल दिए गए। आज मुझे क्यों एक सन्यासी को भिक्षा यात्रा करने की जरूरत पड़ी और क्यों उस भिक्षा में जातियों में बटे विभाजित सनातन को एक करने की भिक्षा मांगनी पड़ रही है?
उसमें कोई हिमांशु भाई दाल आटा चीनी चावल की भिक्षा नहीं है, उसमें भिक्षा है जो जातियों में बटा सनातन है वो एक हो, क्यों एक हो, ताकि इस तरह से जो आज कृत्य हो रहे हैं उस पर आगे आने वाले समय में अतिकुर भाई जैसे अन्य कई बुद्धिजीवी आवाज और शोर दोनों मचाएंगे। मगर एक बात बिल्कुल क्लियर कट है कि अब हम लोग ना तो बटेंगे और नाम बदलेंगे, हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारी आइडेंटिटी यही रहने दीजिए। और देश हमारा भारत छोड़िए, तुलसी गबाड़ कहां की है, यूएस की, वो कह सकती है प्राउड, आई एम प्राउड हिंदू। और मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलूं, आप स्वामी विवेकानंद को सुनिए, स्वामी विवेकानंद ने गर्व से कहा कि मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व है, तो मुझे जो है वही रहने दीजिए, हमें बदलिए मत सर, कितना बदलिएगा, बूंद बूंद कर कर तो बांट दिया जातियों में, अब उन जातियों से भी छटक करके धर्म परिवर्तन करवा दे रहे, थोड़ा तो सोचना चाहिए बोलने से पहले, और अगर नहीं हो रहा तो आइए मैं दिखाता हूं। ठीक है अतिकुर रहमान जी, क्या जबरन धर्मांतरण नहीं हो रहा है, ठीक है कानून से आपत्ति है यहां पर, लेकिन कई जगह ऐसा है ना जो हो रहा है। देखिए हिमांशु जी, टाइम्स ऑफ इंडिया की 4 तारीख की मैं आपको कटिंग बता रहा हूं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऑल कन्वर्जन्स कांट बी इलीगल। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप किसकी बात मानेंगे। स्वामी जी बहुत आदर के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कुरान और इस्लाम धर्मांतरण की इजाजत नहीं देता है, किसी तरह का लालच, किसी तरह की जोर जबरदस्ती, किसी तरह का छल अगर कोई मुसलमान इस्तेमाल कर रहा है धर्मांतरण के, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं हिंदू धर्म से सनातन धर्म से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सही कहा जी, ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है, अतिकुर रहमान जी आपकी तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन सैकड़ों ऐसे एग्जांपल आए हैं अलग अलग जगह से, मेरठ, सहारनपुर, अलग अलग जगह से, वहां उनका क्या, जहां पर नाम बदल दिया जाता है उसके बाद ताल्लुकात बढ़ाए जाते हैं और फिर दबाव बनाया जाता है, उसका क्या, तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है हिमांशु जी, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, वहां दबाव नहीं होता, स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट है स्वामी जी, वहां झूठ फरेब कुछ नहीं होता। ऑल एडल्ट सिटीजंस हैव द फ्रीडम राइट टू कंसाइन, आप नहीं रोक सकते। हाँ, अब हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करिए कि सब लोग अपने धर्म से जुड़े रहें, सबकी आस्था हमको सब अप्रिय है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन अगर कोई एडल्ट सिटीजन स्वामी जी धर्मांतरण करना चाहता है तो आप संविधानिक तरीके से उसको जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मुखिया जी के पास, इसको कबूल करिए। मैं बड़े सम्मान के साथ अतिकुर भाई से कहना चाहता हूँ, निसंदेह आप कह रहे हैं कि इस्लाम और कुरान इस बात की इजाजत नहीं देते, बेसिक बहुत सारे लोग यहाँ इस देश में राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, रहीम को मानते हैं, रहीम की नहीं मानते, तो आप जो कह रहे हैं वो सही हो सकता है, मगर लोग उन चीजों को नहीं मानते, और जो हो रहा है तारा सहदेव से शुरू करिए ना, वर्तमान श्रद्धा पर आकर रुक जाइए, निकिता पर चले जाइए, ऋतु पर चले जाइए, अंकिता पर चले जाइए, ऐसे आप कहेंगे तो मैं 1000 नामों की लिस्ट आपको भेजूंगा, मगर ये कोई भी वक्तव्य इसलिए बिल्कुल नहीं दिया जाए अतिकुर भाई कि मात्र हमें बोलना है, हमें यह सोचना पड़ेगा कि वर्तमान धरा पर जो ग्राउंड सिचुएशन है वो वर्स्ट है। और एक बात याद रखिएगा कि डेथ विल किल यू लेटर बट इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट सर, हमें मौत से पहले ना समझी मार रही है, और उसमें आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का निसंदेह सम्मान है, था और रहेगा, मगर अपने धर्म को एकाग्र करने के लिए हम लोगों का जो कर्तव्य है वो हम हर लिमिट पर जाकर करेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। स्वामी जी, हिमांशु जी, मैं आ सकता हूं, हिमांशु जी मैं आ सकता हूं, बोलिए हिमांशु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं, बिल्कुल सुन पा रहे हैं रहमान साहब, बोलिए स्वामी जी आपने जिन जिन इंसिडेंट्स का हवाला दिया वो क्रिमिनल ऑफेंस है। एक वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में डिबेट पे थी टीवी की, उन्होंने माना कि ये डोमेस्टिक वायलेंस है, ये क्रिमिनलिटी है, इसको आप कैसे थोप सकते हैं किसी एक धर्म के ऊपर, क्या ये सारी किलिंग डोमेस्टिक वायलेंस, ये हत्याएं क्या अक्रॉस द रिलीजन नहीं हो रही है, एक शब्द है, कम्युनिटीज नहीं हो रही है, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, अतिकुर भाई मार रहा है, लेकिन आप इसको जाति के तरीके से मुसलमानों के सर मर रहे हैं, अतिकुर बाबू बात गलत है, सुनिए अतिकुर बाबू, मैंने आपको सुना, सुनिए
मैं समूचे सिस्टम को आक्षेप नहीं कर रहा, मगर जो हो रहा उससे आंख मीचने को भी मैं ये नहीं कहूंगा कि उससे आंख मीच करके आप इतर चलिए। आप सोचिए ना कि वर्तमान परिस्थिति हो क्या गई, एक एक बूंद बनाकर रख दिया आपने भारत में भारत को। अब उसको पुनः अगर जो सहेजा जा रहा है तो उसमें आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। अतिकुर भाई मैं पहले कह रहा हूं, मगर हां इस देश में एक गिरोह ऐसा है, कुछ मशीनरीज ऐसी हैं जो ऐसा कार्य कर रही हैं और वो कदापि उनको इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती और ना ही इस चीज की इजाजत कानून देता। अच्छा सारी चीज श्रद्धा, लेट मी कंप्लीट, प्लीज 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 लेट मी कंप्लीट। श्रद्धा का जिक्र आपने किया, तारा सहदेव का जिक्र आपने किया, मगर आपने उसके पीछे का कारण समझा? क्यों उनसे कहा कि मेरा नाम मोनू है और बाद में आप ताहिर निकले? क्यों श्रद्धा के साथ ऐसा हुआ, पहले कुछ और बाद में कुछ? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मगर जो हो रहा है उसको कैसे ना कहूं? सर कहीं ना कहीं मां करके उस परिवार के जगह आकर सोचिए, उसके मर्म को सोचिए सर, जिसके साथ जीवन का सबसे अंतिम जो क्षण था वो इतना कुरूप बना दिया गया कि वो तहजीवन उस तस्वीर को देखेंगे तो उस चित्र की याद आएगी, उस घिनौने कृत्य की याद आएगी। बातें कहना चाहूंगा। ठीक है ठीक है, आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा, लेकिन विजय जी भी हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद से, विजय शंकर तिवारी जी। अतीकुर रहमान जी ने कई सारे पॉइंट्स रखे और उन्होंने कहा कि हम सम्मान करते हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन निजता की भी बात यहां पर कही गई। ये भी कहा गया कि जबरन कुछ लोग इसको अलग मोड पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, आपत्ति इस बात से। हिमांशु देखो, अतीकुर रहमान जो बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आखिर धर्मांतरण क्यों चाहते हैं ये, कि जबरन धर्मांतरण देश में होता रहे, ये आखिर अतीकुर रहमान क्यों चाहते हैं? और दूसरी बात यह है कि मैं कहता हूं वो हर व्यक्ति इस धर्मांतरण में सम्मिलित है, जो टीवी में बैठ करके धर्मांतरण करने वालों का बचाव करता है, कोर्ट में जाकर धर्मांतरण करने वालों को बचाव करता है, और जमीन में जाकर के श्रद्धा और अंकिता निकिता ऐसी जघन्य हत्याएं करता है। और जब इस प्रकार के विमर्श होते हैं तो ये जो टीवी में बैठ करके हम उनके उनकी वकालत करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, उनका फलाना ढिकाना था, तो मैं कहता हूँ वो सभी लोग सम्मिलित हैं इस धर्मांतरण में, और जो लोग सम्मिलित हैं वही लोग आकर के धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण का मतलब उनके पक्ष में जाकर खड़े होते हैं। आकर हिंदू समाज का दोष यही है ना कि वो लोकतंत्र की बात करता है, हिंदू समाज की यही समस्या है ना कि वो जाकर के सरकार का दरवाजा खटखटाता है, हिंदू समाज की यही समस्या है ना कि वो जाकर के कोर्ट चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, हाई कोर्ट चला जाता है, वो कहता है कि न्याय जमीन पर नहीं होगा, सड़क पर नहीं होगा, न्यायालय में होगा, और अगर न्यायालय में होगा तो न्यायालय से बात करें ना, केवल जबरन धर्मांतरण की वकालत क्यों करते हैं यार बैठ करके। मैं ये कहता हूं कि ये कश्मीर चाहते हैं, कश्मीर में जिस प्रकार से धर्मांतरण अधाधुंध धर्मांतरण हुआ, और जब हिंदू अल्पसंख्यक हुआ तो वहां पर जब वो निकाले जा रहे थे तो उनकी वकालत करने के लिए अतीकुर रहमान साहब न टीवी डिबेट में, मतलब अतीकुर रहमान साहब उस समय टीवी डिबेट में नहीं थे, लेकिन इनके जैसी सोच के लोग न टीवी में थे और न न्यायालय में थे। ये मेवात में हो चाहे कैराना में हो, देश में सैकड़ों मेवात कैराना और कश्मीर बन चुके हैं देश में, ये सारे देश को अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जागरण तो करना पड़ेगा, और जागरण कोई ना कोई करेगा, वो जागरण हम कर रहे हैं। अच्छा अतीकुर रहमान साहब, देखिए आपने भी कई सारी खबरें देखी हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड में ऐसे मामले भी सामने आए, जो ईसाई मिशनरी हैं गरीबों का फायदा उठाते हैं, उन पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं और करवा भी देते हैं उन्हें, ये रुकना नहीं चाहिए, और इसके लिए अगर कानून बनता है तो उसका स्वागत नहीं होना चाहिए। देखिए हिमांशु जी, विजय शंकर तिवारी जी ने बड़ा अच्छा मूल प्रश्न यहां पर उठाया था कि हम अतीकुर रहमान धर्मांतरण क्यों चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप धर्मांतरण पर रोक क्यों लगाना चाहते हो? अगर एक युवा, अगर एक एडल्ट सिटीजन हमारे संविधान का सहारा लेते हुए अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, कल को मैं नौज बिल्ला अगर चाहूं कि मैं इस्लाम धर्म छोड़कर किसी और धर्म में आऊं, तो ये मेरे लोगों के लिए, मेरे और, लेकिन अगर मैं अतीकुर रहमान पर दबाव बना के, अगर मैं अतीकुर रहमान पर दबाव बना के कहूं कि नहीं आपको कबूल करना होगा, वो गलत नहीं है? यस, ये गलत है, ये गलत है। तो इसके लिए कानून बनाए तो क्या दिक्कत है? ऑल कन्वर्जन कैन बी फोर्स, तय कौन करेगा कि ये धर्मांतरण जबरन है? मानने को तैयार है कि जबरन नहीं, और हम भी आइए हम सब मेहनत करते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, ये मापदंड क्या है, ये कैसे तय होगा कि क्या जबरन है और क्या रजामंदी से? हिमांशु ये तय होगा न्यायालय में जाकर के,
ये जो कानून बनते हैं वो न्यायालय में जाकर निर्णीत होते हैं, जाकर सड़क पर नहीं होते हैं। और जो नीति नियम चाहे राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है, वो जाकर कानून, वो जब कानून बनते हैं और वो जाकर कोर्ट में सेटल होते हैं जाकर के। मैं सड़क पर न्याय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं इस प्रकार का जागरण भी करेंगे और इस प्रकार का जब भी कोई आवश्यकता होगी तो थाने जाएंगे, न्यायालय जाएंगे। ये तो न्यायालय का भी वो करते हैं। और एक बात अतुल रहमान ने कहा कि आकर क्यों चाहते हैं, अतुल रहमान साहब हम दूसरा देश का विभाजन नहीं चाहते हैं, केवल एक अंतर है, आप ऐसा माहौल बना रहे हैं कि विभाजन हो और हम चाहते हैं देश का दूसरा विभाजन अब इस देश में नहीं होगा। देश जाग गया है, हिंदू जाग गया है, जितना जन जागरण करना पड़ेगा हम करेंगे। और हम लोकतंत्र में खड़े हैं अतुल रहमान साहब, लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में न्यायालय में जाकर निर्णय होता है जाकर के, सड़क पर नहीं। जो अंकिता को जलाया जाता है, निकिता को गोली मारी जाती है, श्रद्धा को काटा जाता है, जवाब जवाब नहीं लिया तो फिर अधूरी रह जाएगी बात, जवाब नहीं लिया तो बात अधूरी रह जाएगी, पूरी कर लीजिए रहमान साहब जी। देखिए विजय शंकर तिवारी जी, बड़ा अच्छा आपने ये मामला उठाया कि आखिर क्यों ये सब चीजों के ऊपर रोक नहीं लग रही है, और पूरा के पूरा तीखड़ा तो आप मुसलमानों के ऊपर फोड़ रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ विभाजन से क्या डरना, अरे विभाजन तो जब होगा ना, जब अपने ही घर की हम दीवारों को मजबूत नहीं कर पाएंगे। मैंने आपसे कहा, मेरी बात शायद छट गई, आइए हम दोनों मिलकर अपने घरों को मजबूत करते हैं, आप सनातन को मजबूत करिए, हम इस्लाम मुसलमानों को मजबूत करते हैं। अतीकुर रहमान साहब, आप खुद की गारंटी दे सकते हैं लेकिन बाकी लोगों की गारंटी आप दे सकते हैं क्या? नहीं, गारंटी तो संविधान दे रहा है हिमांशु जी, गारंटी संविधान दे रहा है। संविधान पर भी आजकल तो भरोसा नहीं रखा जाता, बहुत से लोग ऐसे जो उसी पर सवाल उठा देते हैं हमारी सभ्यता की, हिंदू मुस्लिम हमें दबाया जा रहा है, फिर वो विक्टिम कार्ड शुरू हो जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जब तक संविधान अपने ठोस जगह पर काम कर रहा है और आप और हम उसका बल बढ़ाने में लगे हुए हैं, तोड़ने में नहीं, तब तक स्वामी दीपांकर पाका नहीं होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और गंगा जी और बेहद जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, निसंदेह इस देश में कुछ लोगों के पास आधार कार्ड, वाईडी कार्ड और पैन कार्ड है, और बहुत सारे लोगों के पास विक्टिम कार्ड। जब कोई परिस्थिति हो को हम सफिशिएंट है अपने जनजागरण में, हम लोग अपने जनजागरण में लगे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं अगर इससे भी कोई कठोर कानून बन सकता है वो कानून बने, और निर्णय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी है, हम लोग निर्णय नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट है, वो जो चाहेगी सो करेंगे, मगर हम लोगों का कर्तव्य जनजागरण का है, जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति का होना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमें कम से कम अतिकुर भाई की कोई सलाह नहीं चाहिए। आप अपने धर्म को देखिए, हम अपने सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे। अच्छा, आपने एक बात कही अतीकुर रहमान साहब, जिसमें इस बात का जिक्र हुआ कि कौन अपनी मर्जी से धर्मांतरण कर रहा है, किस पर दबाव बनाया जा रहा है, ये तय करना है। कुछ वक्त पहले मेरठ के पास का एक क्षेत्र है, वहां से ऐसा मामला सामने आया कि ईसाई मिशनरी हुई और कोरोना टाइम पर गरीब लोगों की मदद की गई, मदद करने के बहाने उनको तमाम चीजें दी गई, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो वहां पर दी गई, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उनसे बोला गया कि भाई ये मूर्ति वूर्ति मत पूजिए, आप इधर आइए, ये करिए और फिर ये धर्म अपनाइए, ये पूरा किया गया, सब सामने आया, सारी सच्चाई सामने आ गई, अब इसे क्या कहेंगे? देखिए हिमांशु जी, ये सारे इल्जाम धर्मांतरण को लेकर क्रिश्चियनिटी के ऊपर, मिशनरीज के ऊपर बहुत जमाने से हिंदुत्ववादी लगाते आए हैं, यहां तक कि दारा सिंह ने ग्राम चीन को उड़ीसा में जिंदा जला दिया था उनके दो छोटे बच्चों के साथ, ये इल्जाम लगा के वादवा कमीशन बैठा और वादवा कमीशन ने बरी किया था ग्राम चीन को कि वो फोर्स कन्वर्जन नहीं कर रहे थे। साबित करिए जनाब, साबित करिए, अदालतें, पुलिस मजबूत है, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं। अतिकुर बाबू, कन्वर्जन के ऊपर रोक आप नहीं लगा सकते। अतिकुर बाबू, रामपुर के अंदर सपा सरकार में 700 से 800 लोगों ने परिवर्तित किया था, अब वो पुनः हिंदू बन गए, क्या कहिएगा? मुबारक हो, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, मुझे आपकी बात नहीं, आप कह रहे हैं ना कि सर नहीं हो रहा, मैं आपको सिर्फ आप बता रहा हूं, और अतिकुर भाई सुनिए ना, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपने बोला मैंने सुना ना, अब आपने तो मुझसे सलाह लेने से इनकार कर दिया। अतिकुर भाई, आपने बोला मैंने सुना, मेरा मन कहता है कि दो मिनट सुनिए, इनकार कर दिया, आपको अच्छा लगेगा, आपकी सलाह सर सुनिए ना, सुनिए तो सही ना, सर आंखों पर, सर आप बोलिए तो मैं सुनता हूं, मैं बोल रहा हूं तो आप सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि कश्मीरी हिंदू है सर, कश्मीरी पंडित नहीं, श्रद्धा केस होता है सर, हिंदू है, कोई जाति नहीं सर, हम लोगों
को जातियों में बांटने का जो अब से पहले नाटक चल रहा था, सर अब उसका पटाक्षेप हो रहा है। हम लोगों को हिंदू है, सनातनी है, रहने दीजिए, मगर रही बात जहां तक धर्मांतरण की, जब हम छटकते हैं तभी हम बनते हैं। तो इस पर जो लॉ बन रहा है वो बहुत अच्छा है और मैं साधुवाद देता हूं उन राज्यों को जिन्होंने लॉ बनाया, और ये सर्वव्यापी और देशव्यापी होना चाहिए। महत्वपूर्ण ये है, यक्ष प्रश्न इस भारत के सामने ये है कि बचेंगे तो ना अस्तित्व रहेगा। सर अस्तित्व है कहां? एक पुराना पुराना भजन गाते आ रहे हैं, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे हस्ती बची कहां है दादा, हस्ती बची कहां है? अरे स्वामी जी, हिमांशु जी को आपने दोष दिया कि वो चुनाव के विश्लेषण में जाति में हिंदू समाज को। मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, दोष नहीं दिया। अरे कैबिनेट हिमांशु जी समझ रहे हैं, क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मुझे कैबिनेट हमारी बनाई जाती है जाति प्रथा के आधार पर। सर आप तो कम से कम जातिवाद बैठकर मत कीजिए, और आप बहुत जाति जाति करना है करिए। मेरे लिए मात्र हिंदू हिंदू, सनातन सनातन, बात खत्म। बढ़ती जाती है जाति के नाम पर, इलेक्शन चुनाव लड़े जाते हैं जाति के नाम पर। आप लोगों में जाति नहीं है तिकुर भाई, अहमदिया, बरेलवी, देवबंदी और पसबांदा, 50 आप लोग भी हैं सर, मगर आप मुस्लिम में, बात खत्म हो जाती है। मेरे में जाति आ जाती है सरकार द्वारा, जाति के आधार पर कैबिनेट भर दी जाती है, पोजीशन दी जाती है। सर आप में नहीं है, योगी जी को कहिए ना, आप में नहीं है सर। सनातनी ठेकेदार है, सनातन का हर व्यक्ति ठेकेदार है। आधार पर क्यों बनाई है? हर सनातनी, हर हिंदू ठेकेदार है, समझे सर? डेथ विल किल यू लेटर, समझे? ना समझी से मत मरवाइए। मुसलमान एक, हमको मुबारक हो, लेकिन अच्छा आपको मुबारक हो और हमें भाग दो, क्या बात कर रहे हैं? बताइए मेरे को एक बात, मेरे को बताइए अतिकुर रहमान साहब, देखिए वक्त कम है, वक्त कम है, और ये सवाल मैं पूछना चाहता था, इसलिए मेरे को बताइएगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेहद गरीब हैं। आपने कहा कि ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा जबरन है, कौन सा रजामंदी के साथ। बहुत से गरीब हैं जिनको नहीं पता कि कैसे करना है, कहां जाना है, कहां पर उन्हें अपनी याचिका लगानी है या फिर अर्जी लगानी है, उनका क्या, उनके लिए कौन डिसाइड करेगा? उन्हें तो सरकार से उम्मीद है ना। मुझसे पूछ रहे हिमांशु जी, जी हिमांशु जी मुझसे, हाँ हाँ आप ही से। हिमांशु जी, जब जब एमएलए बिकते हैं करोड़ों रुपए के अंदर, यानी तो करें, इन लोगों यानी बिकने दें, यानी होने दें, तो क्या होने दें। अरे मेरे राम, कैसी बात कर रहे, मतलब आपकी कह रहे, मतलब होने दें धर्मांतरण। मेरा बच्चा मेरे घर के बाहर क्यों जा रहा है? ये मेरे लिए चैलेंज है। मैंने कहीं अपनी परवरिश के अंदर कमी रखी है तभी जाके मेरे लोग जा रहे हैं ना दूसरी तरफ, ये मेरे लिए चैलेंज है। अच्छा, किसी को भी बरगलाओ, भड़काओ या फिर कुछ भी करो, उसकी मजबूरी का फायदा उठाओ, उसका धर्म परिवर्तन करा दो, आपकी नजर में ठीक है? 10 सेकंड दीजिए, सिटीजंस राइट टू कंसाइंस, 10 सेकंड, 30 सेकंड। देखिए एक बड़ी रोचक बात उन्होंने कही कि हम एक हैं, हमें मुबारक, आप स्वयं को करिए। देखिए रोचक क्या है, इन्होंने कहा कि आप योगी से कहिए, पीएम से कहिए, सीएम 50 बातें बनवाई। आप देखिए कि ये सिया, सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, पसमांदा 50 हैं, मगर ये सब मुस्लिम हैं एक अम्ब्रेला के नीचे। हम लोग यहाँ ठाकुर, बनिया, जाट, ब्राह्मण, प्रजापति, दलित, वाल्मीकि, हम क्यों बटे सर? हम भी तो हिंदू ना है, सनातनी ना है, हम भी वही रहेंगे। बिल्कुल, और ये कई पहलू ऐसे हैं जिन पर बहुत बारीकी से यहाँ पर देखना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, वही इस पूरे मामले में तय करेगी क्या सही है क्या गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज हम ये बता दें कि आज शाम 6 बजे से आपके अपने चैनल टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर एक नया शो शुरू हो रहा है, नाम है धरती पुत्र, जरूर देखिए, ग्राउंड से पब्लिक ओपिनियन विद्यानाथ झा के साथ।